जय जय श्री राधे श्याम श्याम। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित जी महाराज, हे मन्ते प्रथमी मास नंद ब्रज कुमारिका चिरुरहं विश्वं भुञ्जाना कातायन अर्चन व्रतम। अगहन के मास में गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की और वे प्रतिदिन यमुना में स्नान करने जाती थीं। गोपियां एक दिन यमुना में स्नान कर रही थीं, वस्त्र उतार के रख दिए, कन्हैया ने वस्त्र उठाए और कदम के वृक्ष पर छुपा दिए। गोपियों ने जब वस्त्र पहनने के लिए हुई तो देखा वस्त्र गायब, तो सोचा कि कन्हैया के अतिरिक्त तो ये कुछ कर नहीं सकता कोई। उसी ने कहा, कन्हैया तू कहाँ है? सारी गोपियां कहने लगी, जल्दी निकल के आ, तेरे अलावा इन वस्त्रों को और कोई नहीं छुपा सकता। कन्हैया निकल आया, कहा बोलो गोपियों क्या बात है? गोपियों ने कहा, कन्हैया तुमने हमारे वस्त्रों को क्यों छुपाया? कन्हैया ने कहा, गोपियों तुम्हें नहीं मालूम है कि जल में नग्न स्नान नहीं किया जाता है, जल में वरुण देव का वास होता है, इसलिए जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। अब तो हम वस्त्र तभी देंगे जब तुम नग्न ही बाहर निकलोगी। अब तो सारी गोपियां सोचने लगी, लेकिन फिर सोचा कि ये तो परमात्मा है, सबसे छुपा है, लेकिन परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपा है। तो परमात्मा से क्या पर्दा? आज कन्हैया भी गोपियों का देहाध्यास छुटाना चाहता था। ये वस्त्र क्या? शास्त्र में वस्त्र को वासना कहा गया है। तो जब तक वासना का पर्दा हमारे बीच में पड़ा रहेगा तब तक हमें परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी संसार में पुरुष है ही नहीं, सारी स्त्रियां हैं, क्योंकि सारी कौन है? सारी आत्माएं हैं। बोलो आत्मा है कि नहीं? सब हम भी आत्मा, आप भी आत्मा, सब आत्माएं हैं। और जब सब आत्मा हैं तो पुरुष कौन है? बोलो, कोई पुरुष नहीं है। पुरुष कौन है? केवल वो एक पुरुष है। और सारी आत्मा है और आत्मा का पति परमात्मा और कोई दूसरा नहीं है। तो गोपियों ने कहा, इससे पति से क्या छुपना, ये तो परमात्मा से कुछ नहीं छुपा है। और फिर बोले, 7 वर्ष का बालक, दोनों तरफ से कोई मतलब नहीं। गोपियां निकलने लगी तो कन्हैया ने कहा, ऐसे नहीं, प्रणाम करती हुई आओ। गोपियां प्रणाम करती हुई निकली, कन्हैया ने वस्त्र दिए। कथा संकेत देती है, कन्हैया ने जो हजारों साल गोपियां हजारों वर्षों अपने कुर्बान अपने जन्म किए हैं गोपियों ने कृष्ण रस का पान करने के लिए, कन्हैया ने सोचा जब तक गोपियों के अंदर मैं और तू रहेगा कि मैं गोपी हूं ये कृष्ण है, तब तक ये एक नहीं हो सकती, आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम में दूसरा होता ही नहीं है। प्रेम 2 से प्रारंभ होता है और 1 पर जाकर के खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, प्रीति जहां पर्दा नहीं, प्रीति जहां पर्दा नहीं, पर्दा तहां न प्रीति, प्रीति करे पर्दा करे तुलसी जा अनरीत, तुलसी जा अनरीत। प्रेम क्या है? प्रेमम स्वरूपम अनिवर्चनीयम। प्रेम का स्वरूप कहा नहीं जा सकता, प्रेम में 2 होते ही नहीं है, एक ही होता है, दूसरा होता ही नहीं। प्रेम तो, प्रेम में कोई पर्दा कोई वासना कहीं स्थान नहीं है। कन्हैया ने सोचा जब तक ये पर्दा रूपी वासना वस्त्र रूपी वासना नहीं हटेगी तब तक कन्हैया को हमारे रूप का बोध नहीं होगा, हम में मिल नहीं सकेंगी। इसलिए कन्हैया ने वस्त्र रूपी वासना का त्याग कराया, क्योंकि प्रेम में वासना का कहीं स्थान नहीं है। प्रेम इधर से चला उधर से प्राण से धारे, प्रेम इधर से चला उधर से प्राण सिधारे, दोनों आ मिल गए देह मंदिर के द्वारे। दोनों ने जब दोनों को अपनाया पता नहीं कब किसने कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो
हो गया, यही प्रेम है, यही प्रेम है। एक जहां एक हो जाए दूसरा रहे ही नहीं, वही प्रेम है। इस तरह कन्हैया ने गोपियों के वस्त्रों को चुराकर वासना का परित्याग कराया, पर्दा को हटाया, देहाध्यास को समाप्त कराया, लिंग भेद को समाप्त कराया। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए, परीक्षित जी महाराज, ब्रज के सभी लोग इंद्र की पूजा किया करते थे, तो इंद्र के पूजन की तैयारी होने लगी, खच्चरों पर भर भर के सामग्री जाने लगी। कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये किसकी तैयारी हो रही है, क्या क्या उत्सव है, क्या बात है? नंद बाबा ने कहा, कन्हैया इंद्र की पूजा के लिए ये तैयारी हो रही है। कन्हैया ने कहा, नंद बाबा ये इंद्र कौन है? अरे बोले, इंद्र नहीं जानते जो वर्षा करता है? इंद्र अगर नाराज हो गया तो वर्षा नहीं होगी। कन्हैया ने कहा, नंद बाबा इंद्र तो कोई बन सकता है, इसलिए पूजा और पूजा उसकी करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष देवता हो। पूजा इंद्र की नहीं गोवर्धन की होगी। कन्हैया ने, गोवर्धन कौन है? गो माने बढ़ाना, वर्धन माने गो माने भक्ति, वर्धन माने बढ़ाना, भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाना ही गोवर्धन पूजा है। कन्हैया ने यहां पर संकेत दिया कि अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समामृता प्रसक्ता काम भोगेश पतंति नरकी अशुचो, जो तमाम देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाता है वो, उसका पतन हो जाता है और वो नरक को प्राप्त होता है। इसलिए सर्वधर्मान प्रत्यज्ञमाम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भू मोक्षयिष्यामि मा शुचि। यहां पर कन्हैया ने केवल और केवल परमात्मा का पूजन का आदेश दिया है। परमात्मा के प्रति समर्पण करो, परमात्मा के प्रति अपने मन को लगाओ, अनेक चित्त विभ्रांता अनेक जगह मत चित्त को लगाओ। इसलिए केवल और केवल समर्पण कहां करना चाहिए? परमात्मा के लिए। जैसे स्त्री जो है घर में जो पत्नी होती है वो देवर का भी ख्याल रखती है, ससुर का भी सम्मान करती है, सास का भी सम्मान करती है, उनका भी आदर करती है, देवर से भी प्रेम करती है, सबसे आने वाले अतिथि का भी सम्मान करती है, लेकिन समर्पण पति के पास करती है। ऐसे ही मानो सबको, लेकिन समर्पण परमात्मा के पास करो, परमात्मा से करो। यही कन्हैया ने यहां पर बताया है। तो जो जो सामग्री इंद्र की पूजा के लिए जा रही थी वही सामग्री अब गोवर्धन की पूजा के लिए जाने लगी। गिरी बरसों ध्यान लगाए लीजो जब आवो गोवर्धन को, गिरी बरसों ध्यान लगाए लीजो जब आवो गोवर्धन को, गिरी बरसों ध्यान लगाए लीजो जब आवो गोवर्धन को, 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 गिरी बरसों, हाँ जी गिरी बरसों ध्यान लगाए लीजो जब आवो गोवर्धन को, गिरी बरसों ध्यान लगाए लीजो जब आवो गोवर्धन को, गिरी बरसों ध्यान गोवर्धन को, जब आवो गोवर्धन को।
जब आवो गोवर्धन को, जब आवो गोवर्धन को, बरसों ध्यान लगाए लीजो, जब आवो गोवर्धन को, गिर बरसों ध्यान लगाए लीजो, जब आवो गोवर्धन को, गिर बरसों ध्यान लगाए लीजो, जब आवो गोवर्धन को। दर्शन दान घाट के करके, चरण कमल चित धर के, चरण कमल चित धर के, मानसी गंगा नहाए ले जो, जब ध्यान लगाए ली जब, जब आवो गोवर्धन को, गिर भर तो ध्यान लगाए ली जब, जब आवो गोवर्धन को। गोवर्धन की करके, पूजा गोवर्धन की करके, पूजा गोवर्धन की करके, पूजा गोवर्धन की करके, गोविंद कुंड के दर्शन करके, गोविंद कुंड के दर्शन करके, जीवन सफल बनाए ले जो, जब आओ गोवर्धन ध्यान लगाए लीजो, जब आवो गोवर्धन को, गिर आवो गोवर्धन को, जब आवो गोवर्धन को, जब आवो गोवर्धन को, जब आवो गोवर्धन को, गिर बरसों ध्यान लगाए लीजो, जब आवो गोवर्धन को, ध्यान लगाए लीजो, जब आवो गोवर्धन को, गिर भर तो ध्यान लगाए लीजो, जब आवो गोवर्धन को। जय जय श्री राम। जो सामग्री जा रही थी इंद्र की पूजन के लिए, वे गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए पहुंचने लगी। कन्हैया ने मानसी गंगा प्रकट की और उस मानसी गंगा से अभिषेक किया। सबने गोवर्धन भगवान की पूजा की। सबसे प्रथम कन्हैया ने गोवर्धन भगवान को भोग लगाया तो सबने देखा कि जो खिला रहा है वही अंदर खा रहा है। जो खिला रहा है वही खा रहा है, इसका मतलब समझे। हम क्या करते हैं कि हम पत्नी को खिला रहे हैं, हम पुत्र को खिला रहे हैं, हम सबका भार पोषण कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। सब कौन कर रहा है? परमात्मा। खाने वाला भी परमात्मा और खिलाने वाला भी परमात्मा। कोई किसी को नहीं पाल रहा है, कोई किसी का भार नहीं ढो रहा है, सबका भार, सबकी जिम्मेदारी परमात्मा पर है। प्यारे, खाने वाला भी परमात्मा और खिलाने वाला भी। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया।
केवल एक प्रभु है। अरे जिसने गर्भ में व्यवस्था कर दी वही सब कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। इसलिए भगवान के प्रति, एक प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा का नाम ही गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन की पूजा हुई, नारद जी ने प्रसाद लेकर के इंद्र के पास गए और कहा ये प्रसाद खाओ। इंद्र ने कहा महाराज काय का प्रसाद है? बोले आज गोवर्धन की पूजा हुई है। इंद्र ने कहा गोवर्धन की, हमारी पूजा नहीं? बोले ना तुम्हारी तो बंद, तुम्हारा खेल खत्म। खेल खत्म महाराज, किसने ये कराया? अरे बोले और कौन, वही कन्हैया, उसी ने कराया, लो प्रसाद खाओ पहले। इंद्र ने प्रसाद तो नहीं लिया, इतने क्रोध में भर गया, बड़े बड़े बादलों को बुलाया और कहा जल्दी से जाकर के ब्रज को सागर में डुबो दो, इतना बरसो कि ब्रज बहा चला जाए, सागर में डुबो दो उसे। सारे विकराल बादल आए, सारे ग्वाल बाल डरने लगे, अरे कन्हैया तेरी वजह से ये सब हुआ। जब जब कन्हैया की बात मानी तब तब ब्रज पर संकट आया, इसलिए इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अब इंद्र से हमें कौन बचाएगा? सारे बादल एक साथ विकराल प्रलय के बादल आए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, तुम सब हमारे साथ आओ और जिनकी पूजा की है वही बचाएगा। बोलो पूजा किसकी की थी? गोवर्धन की। और गोवर्धन कौन था? कन्हैया ही था, कन्हैया खा रहा था और कन्हैया ही खिला रहा था। तो परमात्मा ही सबकी रक्षा करता है, ये संकेत दिया कन्हैया ने इस कथा के द्वारा। तो सब लोग गोवर्धन भगवान के पास पहुंच गए। जैसे ही बादलों ने बरसना प्रारंभ किया, कन्हैया ने गोवर्धन भगवान को अपनी एक उंगली से उठा लिया, बादलों ने पूरी ताकत लगा दी, सारी शक्ति लगा दी, बरसे तो ब्रज पर लेकिन ब्रज पर एक बूंद भी नहीं गिरे। थक गए बादल और जाकर के इंद्र से कहा प्रभु हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हम बरसते तो ब्रज पर थे लेकिन ब्रज पर हमारी एक बूंद नहीं पड़ती थी, इसलिए हम थक गए, हमने अपनी सारी शक्ति लगा दी लेकिन उस कन्हैया के आगे हमारी एक नहीं चली। बादल थक के चले गए महाराज, कन्हैया लिए खड़ा, तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तुम अभिमान मत कर लेना, तुमने नहीं उठाया है, हम ये लाठी डंडे लगाए ना होते ना तो तब का गिर पड़ा होता, हम सब उठाए तभी ये उठा है, कहीं उंगली से पर्वत उठता? कन्हैया ने कहा अच्छा तुम उठाए हो। अरे बोले तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं उंगली से पर्वत उठता है, अरे हम सब ये को लाठी डंडे लगा दिए तब ये रुका रहा, नहीं तो सब मर जाते कन्हैया। तो कन्हैया ने कहा कौन उठाए, इसका निर्णय कैसे होगा, हम उठाए या तुम उठाए? तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ऐसा करो तुम उंगली हटा लो। तो कन्हैया ने कहा पहले हम उंगली उठाए। तो ग्वाल वालों ने फिर एक बार सोचा, बोले इसकी उंगली मत हटवाओ, पहले अपने लाठी डंडे हटाओ, और जब लाठी डंडे हटाएंगे ना तो इसकी उंगली पर पूरा वजन आएगा तो ये खुद ही कहेगा जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ, तो इसलिए पहले लाठी डंडे हटाओ। तो पहले एक ने अपनी लाठी हटाई, दूसरे ने अपना डंडा हटाया, तीसरे ने लाठी हटाई, चौथे ने हटाई, धीरे धीरे सारे ग्वाल वालों ने अपने लाठी डंडे हटा लिए लेकिन कन्हैया एक ही उंगली पर खड़ा। अब तो सब कहने लगे अब ये क्या हुआ, ये बोझ वजन भी गया, अब तुम कह भी नहीं सकते। लेकिन सोचा एकदम, अरे जब ये कन्हैया उंगली पे उठाए रख सकता है तो हम सब लाठी डंडों पे तो साध ही सकते हैं। तो बोला कन्हैया हटाओ अपनी उंगली को, जब तुम उंगली पे उठा सकते हो तो हम सब ग्वाल बाल अपनी लाठी डंडों पे से उठा सकते हैं, इसलिए तुम अपने को ज्यादा बड़ा मत मानो, अपनी उंगली हटा लो। लाठी डंडे फिर लगा दिए ग्वाल वालों ने, बोला अपनी अपनी ये उंगली हटा लो। कन्हैया ने कहा एक बात बताओ, एकदम हटा लें या धीरे से हटाएं? तो फिर सोचने लगे कि जो जो एक उंगली पे खड़ा है लिए, हो सकता है यही उठाए हो और कहीं इसने एकदम हटा ली तो हमारा तो कचूमड़ निकल जाएगा, इसलिए फिर सोचा और बोले एकदम मत हटाना धीरे धीरे हटाओ। कन्हैया ने कहा चलो धीरे धीरे हटाते।
कन्हैया ने धीरे धीरे उंगली को नीचे करना प्रारंभ किया और जैसे कन्हैया उतनी जितनी उंगली नीचे करे उतनी पर्वत नीचे आए, जितनी उंगली नीचे करे जितनी अब तो सर से कुछ दूर रह गया, वैसे चिल्ला पड़े ग्वाल वाल, कन्हैया तुम ही उठाए हो, हम तो केवल लगाए हैं, हम उठाए नहीं है, उठाए तो आप ही हो, हम तो केवल लगाए हैं। इसलिए प्यारे ये जीवन का बोझ, ये जीवन का बोझ, ये जीवन की समस्याओं का बोझ न तो हम उठाए हैं न कोई और उठाए है, सब कन्हैया उठाए है और कोई दूसरा उठाने वाला नहीं है। प्यारे ध्यान रखना, इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा की। अब एक दिन सारे ग्वाल बाल और सारी सखियां और राधा के संग सब ने कहा कि कन्हैया आज तो हम तुमसे होली खेलेंगे, इसलिए आज हम तुम्हें बगैर होली खेले नहीं जाने दें। तो सारे ब्रज की गोपियां, सारे ग्वाल वाल, राधा जी सब कन्हैया के साथ होली खेलने के लिए कन्हैया को पकड़ने लगते हैं। राधा कहती है सखियों से, सखी आज कन्हैया पकड़ में आया है, अब इसे छोड़ना नहीं है। होली खेलन आयो श्याम, होली खेलन आयो श्याम, आज जाए रंग में बोली, होली खेलन आयो श्याम, आज जाए रंग में बोली, होली खेलन आयो श्याम, आज जाए रंग में बोली, में बोरोली, आज जाए रंग में बोरोली, रंग में बोरोली, आज जाए रंग में बोरोली, होली खेलन आयो श्याम, आज जाए रंग में बोरोली, होली खेलन आयो श्याम, आज जाए रंग में बोरोली। मगाबो जामे केसर घोरोरी, कोरे कोरे कलश मगाबो जामे केसर घोरोरी, कोरे कोरे कलश मगाबो जामे केसर घोरोरी, कोरे कोरे कलश मगाबो जामे केसर घोरोरी, अंग अंग मलो गोला हरि बोल, अंग अंग मलो गोला करो का केस घोरोरी, होली खेलन आयो श्याम, आज जाए रंग में घोरोरी, होली खेलन आयो श्याम, आज जाए रंग में घोरोरी, रंग में घोरोरी, रंग में बोरोली, होली खेलन आयो श्याम, आज जाए रंग में बोरोली, होली खेलन आयो श्याम, आज जाए रंग में बोरोली, रंग में बोरोली, आज जाए रंग में बोरोली, होली खेलन आयो श्याम, आज जाए रंग में बोरोली।
पड़ोसी तेरे आज जाए आंगन घेरोरी पास पड़ोसी तेरे आज जाए आंगन घेरोरी पास पड़ोसी तेरे जाए आंगन में घेरोरी पास पड़ोसी तेरे आज जाए आंगन घेरोरी पीता मर ले ओ चीने पीता मर ले ओ चीने जाए पे ना बोल ले ओ जी होली खेलन आयो शाम आजो जाए रंग में बोरोरी होली खेलन आयो शाम आज जाए रंग में बोरोरी तमर ले ओ चीन ओहो तमर ले ओ चीन जाए पे नए दोला डोरी होली खेलन आयो शाम आज जाए रंग में बोरोरी होली खेलन आयो शाम आज जाए रंग में बोरोरी होली है बांस की बांसुरी आ जाए तोर मरो रोरी हरे बांस की बांसुरी आ जाए तोर मरो रोरी हरे बांस की बांसुरी आ जाए तोर मरो रोरी हरे बांस की बांसुरी आ जाए तोर मरो रोरी ताली दे दे जाए ताली दे दे जाए नचाबो अपनी ओ रोरी होली खेलन आयो शाम आज जाए रंग में बोरोरी होली खेलन आयो शाम आज जाए रंग में बोरोरी समरिया टार गयो री रंग पाको समरिया टार गयो री रंग पाको समरिया टार गयो रे रंग पाको समरिया टार गयो री रंग पाको समरिया टार गयो री रंग पाको समरिया टार गयो री टार गयो री टार गयो री डारी गयो री हाँ डारी गयो री डारी गयो री हाँ डारी गयो री रंग पाको समरिया डारी गयो री रंग पाको समरिया डारी गयो री रंग पाको समरिया डारी गयो री रंग पाको समरिया
सुरंग रंग जरदारी सारी सुरंग रंग जरदारी सारी सुरंग रंग जरदारी भरे पिचकारी मार गयोरी भरे पिचकारी मार गयोरी रंग बाको समरिया 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 मार गयोरी डर गयोरी डर गयोरी गयोरी रंग पाको समरिया डारी गयोरी रंग पाको समरिया डारी गयोरी रंग पाको समरिया डारी गयोरी रंग पाको समरिया पकड़ मोर झक जोड़ी पैया पकड़ मोर झक जोड़ी पैया पकड़ मोही झक जोड़ी पैया पकड़ मोर झक जोड़ी झटक कौन चकी फार गयोरी झटक चौ फार गयोरी रंग पाको समरिया फार गयोरी रंग पाको समरिया फार गयोरी रंग पाको समरिया फार गयोरी फार गयोरी फार गयोरी फार गयोरी फार गयोरी रंग पाको समरिया फार गयोरी रंग पाको समरिया जय जय हरी गयोरी रंग पाको समरिया 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 जो बिरज में होली मोरे रसिया आज बिरज में होली मोरे रसिया आज बिरज में होली मोरे रसिया आज बिरज में होली मोरे रसिया होली मोरे रसिया पर जोरी मोरे रसिया होली मोरे रसिया पर जोरी मोरे रसिया आज बिरज में होली मोरे रसिया आज बिरज में होली मोरे रसिया आज बिरज में होली मोरे रसिया होली मोरे रसिया पर जोरी मोरे रसिया होली मोरे रसिया पर जोरी मोरे रसिया आज बिरज में होली मोरे रसिया
अपने घरन तनिक सी अपने अपने घरन से निकले कोई श्यामल कोई गोरी मोरे रसिया कोई श्यामल कोई गोरी मोरे रसिया कोई श्यामल कोई गोरी मोरे रसिया कोई श्यामल कोई गोरी मोरी रसिया आज बिरज में होली मोरे रसिया आज बिरज में